तूने ये दादी मान ली, मैंने ये बैल मान लिया, तुमने फिर से चोरी की है। तीती मेरी कॉपली तोल, बचा लेना। अच्छा आप लोग बैग वाले चोर को ढूंढ रहे हो, अंदर है। अरे मुझे तोल दो, अरे मुझे तोल दो, अरे मुझे तोल दो, मार ला ली, मुझे मार ला ली, मुझे बहुत तोड़ के लगती है, मुझे लगती है। इसे पुलिस के हवाले कर दो, मारना। एक मिनट, एक मिनट, राजा जी तेरे को क्या हो गया? मैं तो तोलू वाली, अरे तू सोच के नाम में तलंग के ताले। ये डर रहा है या डरा रहा है? तू तो क्या डरा हुआ, तू तो पहले से ही डरा हुआ है। खराब, पहले ये बताओ कि तेरा बॉस राजा कहाँ है? तुझे दूसरा जन्म भी लेना पड़ा ना, फिर भी इसे उगलवा नहीं पाएगा। हाँ तय बोला है, बिल्कुल तू तो दादा तमल लगो तेला ये तमता है तमता। चमचा गुड। फिल्मों में मैंने देखा है कि फ्रैक्चर के टॉर्चर के वक्त ये लाइट ऑन होती है, और जैसे ही लाइट ऑन होती है मुजरिम सब कुछ कबूल कर लेता है। लाइट्स, लाइट नहीं, मेरे पास कुछ कबूल करने नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है बता राजा कहाँ है, ये तो डर ही नहीं रहा है। लाइट हिलाओ, तू हिला, मैं हिलाऊंगा, तुझे मारेगा कौन? ये तुझे मारेगा, तू लाइट हिला, उससे तो बाद में निपट लूंगा। छोड़ दे, ये क्या था? स्पेशल इफेक्ट तो बताया क्यों नहीं? अरे बताता तो लगता कैसे? बेवकूफ़ क्या? बेवकूफ़ बेवकूफ था तू। बीवी बार बार फोन क्यों करती हो? पाउडर, लिपस्टिक, काजल, क्रीम सब ले आऊंगा। ये पुलिस स्टेशन है या कॉस्मेटिक की दुकान? ए, कौन है तू? कमिश्नर से बात करने की तमीज नहीं तुम्हें? सर, आप सर, I'm sorry सर, मैंने पहचाना नहीं सर। No problem my boy, no problem। तुमने राजा के असिस्टेंट को पकड़ के बहुत बड़ा काम किया है। थैंक यू सर। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को तुम पर नाज है। थैंक यू सर। हम भी तुमसे बहुत खुश हैं। थैंक यू सर। अब फौरन रंगीला को छोड़ दो। रंगीला को छोड़ दो? क्यों सर? तुम जैसा काबिल इंस्पेक्टर ऐसा सवाल करे कुछ अजीब सा लगता है। तुम रंगीला को छोड़ोगे वो सीधे अपने गुरु के पास जाएगा, तुम उसका पीछा करोगे, और इसी तरह तुम राजा को भी गिरफ्तार कर लोगे, और फिर तुम डीएसपी से फौरन एसपी बना दी जाओगे। वाह सर, वाह क्या आइडिया है। सर अभी तो मैं डीएसपी बना दिया गया हूँ ना, क्या अब मैं किसी कांस्टेबल को सस्पेंड कर सकता हूँ सर? हाँ बापू, अब तेरे में पावर ही पावर है। अब चल रंगीला को छोड़। यस सर, मैं रंगीला को फौरन छोड़ दूंगा। थैंक यू सर। गुरु क्या है? रंगीला को तोड़ दो। अब तुम जाओ, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा और राजा को पकड़ लूंगा। तोत लो। तोत लिया। ठीक है। ओके, कहता है तोत लो। ये क्या बेवकूफी की? शट अप, कमिश्नर साहब का फोन था, मेरी तरक्की हो गई, उसे छोड़ने को कहा है। कमिश्नर साहब? अरे वो तो कॉन्फ्रेंस में दिल्ली बैठे हुए। तो फोन किसका था? वो फोन राजा का था, बाहर से कर रहा था। उसे पकड़ लो। मैं नहीं पकड़ता, तू पकड़। उसे पकड़ लो। तू पकड़। वो बहुत दूर चला जाएगा, पकड़ लो। पंचल होना तो कोई अमेरिका वालों से सीखे। क्या पंचुअलिटी है, 7 बजा नहीं के गाड़ी में बैठ के आ गया। नहीं तुम जाके तैयार हो जाओ, मंत्री जी आते ही होंगे। अरे मंत्री जी भी आ गए, तुम क्या जाओ, हम स्वागत करके आते हैं। नहीं अच्छा हुआ आप लोग मुझे मिल गए। अच्छा हुआ तुम भी हमें मिल गए। वो सिंगापुरी ना, वो मुझे मारना चाहता है। तुम्हें मारना चाहता है? हाथ ऊपर करो। ऊपर ऊपर पकड़ लिया मैंने। आई लव, लगता किसी की शादी है, खाना भी फुकट का मिलेगा। कपड़े के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, जहाँ से गोविंदा सिलाता हूँ वहीं से अपुन भी सिलाता। क्या अरे शो का टाइम हो रहा है, जल्दी अंदर ले जाओ। नहीं छोड़ छोड़, ठीक है सर। आइए ना, आइए ना, खजूर का फोटो। कमिश्नर साहब यहाँ क्यों आए? मुझे अरेस्ट करने, मैंने राजा को जो पकड़ा है, मुझे प्रमोशन देने, मैंने राजा को अरेस्ट जो किया है। मिस्टर प्रेम को किसने अरेस्ट किया? सर ये प्रेम नहीं है, राजा है, धारावी का सबसे मशहूर गुंडा राजा सर। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे कैद किया सर, अब आप मुझे फौरन प्रमोशन देकर एसपी बना दीजिए सर। मैं तुम्हें डिमोशन देने के लिए ही आया हूँ। आपकी अंग्रेजी में गड़बड़ हो गई सर, डिमोशन नहीं होता सर, प्रमोशन होता है। शट अप हवलदार,
छोड़ देने। अरे रुकिए सर, ये प्रेम नहीं राजा है, राजा। सर ये राजा नहीं है, ये मशहूर सिंगर प्रेम मल्होत्रा है। इतने मशहूर आदमी को इसने जेल में डालने की जरूरत की। सोचा सर ये झूठ बोल रहा है। अच्छा तो ये झूठ बोल रहा है और तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स सर, इसीलिए मैं इसे प्रमोशन और तुम्हें डिमोशन देने आया हूं। नहीं सर, क्या कह रहे हैं आप। थैंक यू सर, मैं अभी खोल कर लाता हूं प्रेम कुमार जी को। सर आपके आगे हाथ जोड़ता हूं सर, ऐसा मत करना। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? यस कम इन। हवलदार विद्यार्थी रिपोर्टिंग सर। इससे पहले कहाँ थे? शैतान चौकी में सर। और तुम्हारा रिकॉर्ड इतना बुरा था कि तुम्हें इंस्पेक्टर से हवलदार बना दिया गया, क्यों? रिकॉर्ड मेरा हमेशा अच्छा रहा है सर, लेकिन ये सब उस कमीने हवलदार की साजिश है सर, जिसने मेरे उजले करियर को दाग दाग बना दिया। लेकिन मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं सर। वर्दी मेरे जिस्म पर इंस्पेक्टर की ना सही, हवलदार की सही, लेकिन उस कमीने का तो मैं वो हाल करूंगा कि वो हवलदार बनने के लायक भी नहीं। तू तभी से बात करो। लेकिन आप तो हमेशा मुझे तू कहकर बुलाते थे। वो तो इसलिए क्योंकि तू आप कहलाने के लायक नहीं था। बहुत रोब जमाया मुझ पे, क्यों? अब हर बेइज्जती का मैं गिन गिन के बदला लूंगा, समझा? आज से तू सरकारी नहीं, मेरा पर्सनल नौकर बनकर रहेगा। रोज सुबह मेरे घर दूध लाएगा, फिर बच्चों को स्कूल ले जाएगा, दोपहर को मेरे लिए लंच लाएगा, शाम को मेम साहब को खाना बनाने में भी मदद करेगा और घर के सारे कपड़े भी धोएगा, बच्चों को स्कूल से घर पहुंचाएगा। अब हमारा जेल का मुआयना करने का वक्त आ रहा है, जाओ हमारे लिए लंच ले आओ। जाओ जाओ चलो। जड़ो उठाओ भाई। अच्छा अच्छा समझ गया, ये मुझसे नाराज है। अच्छा ठीक है, मैं तुमको सर क्या कर बुलाऊंगा ना। अरे तू जैसा कहेगा मैं वैसा करूंगा। मैं तेरे बच्चों को स्कूल लेकर जाऊंगा और वापस भी लेकर आऊंगा। मैं तेरी खूब सेवा करूंगा, उठना। देखिए वो क्या गया, उठेगा नहीं तो मुझसे झगड़ा कौन करेगा? अरे मुझे भला बुरा कौन कहेगा? ठीक है मैं प्रमोशन की बात भी नहीं करूंगा, मगर मेरी अंग्रेजी कौन सुधारेगा? गुरु हिम्मत से काम लो विद्यार्थी। हिम्मत तो तू था मेरी, तो मुझे अकेला छोड़ के चला गया, हमेशा मेरे साथ रहा। क्या हक है तुझे इस तरह मुझे अकेला छोड़ के जाने का? क्या हक है गुरु? गुरु आलाम दे, दुल्वा दुल्वा तुम लालो को अस्पताल भेजो ना, जल्दी से चलना। में कौन कौन है? कोई नहीं है, सब अस्पताल गए हैं। नीलम की तबीयत कैसी है? क्या आप राजा हैं? जी उसका ऑपरेशन करना है, ये दवाइयां जल्दी लेकर आइए। डैडी अब यही ठहरी, मैं से डॉक्टर से मिल के आता हूं। ओके डॉक्टर
अच्छा हुआ तो सही वक्त पर आ गया। भैया छुआ ना तो मैं तेरी बोटी बोटी काट डालूंगा। अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो उस मल्होत्रा को जिसे तुमने हॉस्पिटल में बचाया था लाकर हमारे हवाले कर दो। हम तुम्हारी बहन का सही इलाज करवाकर बच्चा समेत तुम्हारे हवाले कर देंगे। नहीं, मैं ये हरगिज़ नहीं करूंगा। पागल मत बन राजा। जिस आदमी की जान बचाने के लिए तू अपनी बहन की जान दांव पर लगा रहा है, क्या लगता हो तेरा? अरे वक्त बहुत कम है राजा, जल्दी फैसला करो। अगर एक घंटे में तुम्हारी बहन का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसका बचना नामुमकिन है।